वेलकम टू राइड विद इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मज़ेदार टॉपिक वेल्डिंग के बारे में, जो कि साइड या तो आप मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हैं, या आप सिविल से बिलोंग कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल में, हर एक जगह वेल्डिंग का प्रयोग तो होता ही होता है। इसीलिए हम वेल्डिंग के बारे में लेके आए हैं इस वीडियो में। तो हम कुछ इतने टॉपिक पे बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले वेल्डिंग होता क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ जॉइंट, जो वेल्डिंग करते समय हमें कौन कौन सा जॉइंट करना है, कौन कौन सा जॉइंट होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो सेकंड टॉपिक है, टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। अब जॉइंट्स तो समझ गए, अब उसके कितने टाइप हैं उसको भी पढ़ेंगे। टेक्निकल टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग का। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप साइड पे वर्क करेंगे तो जनरली लोग टेक्निकल टर्म्स के वजह से ही ज़्यादातर बात करते हैं, नॉर्मल तो कोई नहीं बात करता है। तो इसके बारे में टेक्निकल टर्म्स हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आएगा जो हमारा आएगा टाइप ऑफ वेल्डिंग। टाइप ऑफ वेल्डिंग के अंतर्गत हम लोग, जैसे आपने नाम सुना होगा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में अंदर में आता है MIG, TIG, MAG, ये सब बड़ी बड़ी वेल्डिंगें आती हैं जो आपने देखा तो होगा बट उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना देरी किए। What is welding? Welding क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पार्ट को आपस में हीट या प्रेशर के मदद से जोड़ना ही वेल्डिंग कहलाता है। वेल्डिंग का यूज हम लोग मेटल और थर्मोप्लास्टिक के जोड़ने के लिए भी करते हैं, बट काफी जगहों पे हुड को भी जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि आगे हम बताएंगे कौन सा वेल्डिंग हुड जोड़ने के लिए यूज करते हैं। एक चीज और जान लेते हैं कि होमोजेनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं। जब दो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं जिसे जोड़ना है, जिसे वेल्डिंग करना है, वो दोनों सेम का हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील को जोड़ेंगे आपस में, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग होमोजेनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग को जानने से पहले हमें कुछ ये जो हमारा वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है इसे समझना होगा, इसमें टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा, इसका भी डिफिनेशन भी बताएंगे, बट अभी इसे देख के ऐसे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं वेल्डिंग जोन, ये अभी मैं ऐसे नाम लेकर बता दे रहा हूँ, बाद में से डेफिनेशन के साथ समझाता हूँ। तो ये वेल्डिंग जोन, सेकंड जो टर्म होगा वो होगा पैरेंट मटेरियल, वेल्डिंग फेस SHAZ, ठीक है, जिसे हीट अफेक्टेड जोन के नाम से भी जानते हैं, वेल्ड मेटल रूट फ्यूजन लाइन एक्सिस वेल्ड मेटल, अपना एक्सिस वेल्ड मेटल आप दो जगह देख पा रहे होंगे। फिर आएगा पैरेंट मेटल एंड टॉय। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज पैरेंट मेटल। तो पैरेंट मेटल समझते हैं, जिस मेटल को जोड़ना है और जिस मेटल में जोड़ना है, दोनों पैरेंट मेटल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पैरेंट मेटल दो जगह आपने देखा होगा, दोनों वेल्डिंग में पैरेंट मेटल को दो जगह दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। व्हाट इज फिलर मेटल। तो फिलर मेटल की बात करें तो वेल्डिंग के गैप को जो फिल करने के लिए जो मेटल यूज करते हैं उसे हम लोग फिलर मेटल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज वेल्ड मेटल। वेल्डिंग करते समय हम लोग जो एक्सटर्नल जो मेटल यूज करते हैं जिसके थ्रू हम वेल्डिंग को, वेल्डिंग के गैप को भरते हैं, उसे हम लोग वेल्डिंग मेटल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज हीट अफेक्टेड जोन या HAZ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वह एरिया जो वेल्डिंग के समय हीट हो जाता है पर वो पिघलता नहीं है, ऐसे एरिया को हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये वाला HAZ। व्हाट इज फ्यूजन लाइन। तो फ्यूजन लाइन के बारे में जान लेते हैं, यह पिघलते मेटल और HAZ यानी हीट अफेक्टेड जोन के बीच जो बाउंड्री लाइन बनता है उसे फ्यूजन लाइन कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं फ्यूजन लाइन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज वेल्ड जोन। वेल्ड जोन क्या होता है? तो मेल्ट हुए यानी पिघले हुए मेटल और हीट अफेक्टेड जोन को ऐड कर दिया जाए तो हमारा जो एरिया होता है उसे हम लोग वेल्ड जोन के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप दोनों फिगर में देख सकते हैं। व्हाट इज वेल्ड फेस। अभी देख लेते हैं वेल्ड फेस के बारे में। तो जो वेल्डिंग करने के बाद जो हमें फ्रंट में वेल्ड का फेस दिखता है उसे ही हम लोग वेल्ड फेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। जॉइंट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं रन या पास क्या होता है। तो रन या पास को हिंदी में हम लोग टाका के नाम से जानते हैं। देखिए कभी भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो एक बार में अगर पूरा फुल वेल्डिंग कर देंगे, जिसे हम लोग फुल वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, तो उसे सिंगल रन वेल्ड कहते हैं। अगर वही टाका जो हम लोग मारेंगे वेल्डिंग करेंगे वो बार बार मारेंगे, जैसे तीन बार चार बार में किसी एक पार्ट को जोड़ने में हम लोग तीन बार चार बार मारा, तो उसे मल्टी रन वेल्ड कहते हैं।
तो चलिए बात करते हैं सम कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आएगा बट जॉइंट। जब दो मेटल को उसके एंड टू एंड इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों को बीच की एंगल 135 से 180 तक बने, तो इसे हम लोग बट जॉइंट के नाम से जानते हैं। टी जॉइंट क्या होता है? जब दो मेटल को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक मेटल का एंड और दूसरे मेटल का मिडिल पार्ट इस प्रकार जुड़े रहते हैं जिसके बीच की एंगल 90 डिग्री बनता है, उसे हम लोग टी जॉइंट के नाम से जानते हैं। कॉर्नर जॉइंट, जब दो मेटल को इस प्रकार जोड़ते हैं जिसमें एक मेटल का एंड दूसरे मेटल के एंड से 30 से 135 डिग्री तक का एंगल बनाता है, तो उसे कॉर्नर जॉइंट के नाम से जानते हैं। एंड जॉइंट, जब दो मेटल के एंड को इस प्रकार जोड़ते हैं जिससे उनके बीच की दूरी 0 से 30 डिग्री एंगल बनता है, उसे एंड जॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है क्रूशीफॉर्म जॉइंट। यह वह जॉइंट है जिसमें हम दो प्लेट को दो बार दो दूसरे प्लेट में राइट एंगल सेम एक्सिस में वेल्ड करते हैं, उसे हम लोग क्रूशीफॉर्म जॉइंट के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। बात करते हैं लैपिंग जॉइंट का। जब दो मेटल या प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख कर वेल्ड करते हैं, इसी को लैप जॉइंट के नाम से जानते हैं। इनके बीच की एंगल 0 से 5 डिग्री होता है। टाइप ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के प्रकार, जनरली 5 प्रकार का हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो हमारा वेल्डिंग का होता है वो आर्क वेल्डिंग, सेकेंड वन इज फ्रैक्शन वेल्डिंग, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग एंड फोर्थ वन इज लेज़र वेल्डिंग, फिफ्थ वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो चलिए हम हर एक वेल्डिंग को इस वीडियो में समझते हैं अच्छे से। वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। चलिए बात करते हैं आर्क वेल्डिंग का। तो यह वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेल्डिंग है, ठीक है। यह सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस में भी अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं किस प्रकार होता है, और बेटर समझने के लिए। जैसा कि आप साइड में वीडियो देख सकते हैं, ये है एक आर्क वेल्डिंग। तो इसका अगर फुल डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जाके आप आर्क वेल्डिंग उसके टाइप्स सभी प्रकार से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आप टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। देयर आर 7 टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। पहला जो है मेटल इनसाइड गियर, यानी जिसे मिग के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्टिक वेल्डिंग। तीसरा है टंगस्टन इनर्ट गैस, जिसे TIG के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है गैस वेल्डिंग। फिफ्थ है मेटल एक्टिव गैस, यानी मैक के नाम से जानते हैं। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग FCAW के नाम से जानते हैं। एंड 7th इज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जिसे PAW के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ हम लोग स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम मेटल्स, निकल और कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे मेटल्स को जोड़ने में यूज करते हैं। इसका यूज़ हम लोग ऑयल एंड गैस या पावर, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिक या कोई भी साइट, क्योंकि ये जनरली सबसे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक वेल्डिंग होता है आर्क वेल्डिंग। इसमें जितने भी टाइप के होते हैं ये सब थर्मल पावर प्लांट या कहीं पर भी नॉर्मल भी अगर वेल्डिंग करना होता है तो हम लोग आर्क वेल्डिंग के मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट जो वेल्डिंग है वो है फ्रैक्शन वेल्डिंग। तो यह एक मैकेनिकल फ्रैक्शन के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। इसका जो फ्रैक्शन वेल्डिंग होता है, इसमें हम लोग दो मेटल्स के बीच में फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है, और उसके ठंडा होने पर दोनों मेटल के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अभी हम लोग वीडियो भी देखते हैं जिससे बेटर समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो दोनों मेटल्स के बीच में फ्रैक्शन हो रहा है, जो मैकेनिकल फ्रैक्शन कराया जा रहा है। फिर ये हीट होता है और मेल्ट होता है, इसके बाद ये दोनों में
ठंडा होने के बाद इस दोनों में बॉन्ड बनना चालू हो जाता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेल्डिंग, फ्रैक्शन वेल्डिंग का प्रकार पहले देखते हैं। फ्रैक्शन स्टीयर वेल्डिंग यानी FSW इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड है फ्रैक्शन स्टीयर स्पॉट वेल्डिंग FSSW, लीनियर फ्रैक्शन वेल्डिंग एंड रोटरी फ्रैक्शन वेल्डिंग। जो आपकी आपको हमने वीडियो दिखाया था वो रोटरी फ्रैक्शन वेल्डिंग ही है। फ्रैक्शन वेल्डिंग में और फिलर मटेरियल, फ्लक्स या सील्ड गैस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक्सटर्नली जो हम लोग मेटल डालते हैं जो आर्क वेल्डिंग में, इसमें नहीं डालने की ज़रूरत होती है। इस मेथड में हम हाई वेलोसिटी के बीम का यूज करते हैं मटेरियल को ज्वाइन करने। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक लैब प्रोसेस है, क्योंकि इस वेल्ड को हम लोग हर एक जगह पे यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट करना रहता है। व्हाट इज लेज़र वेल्डिंग, अब बात कर लेते हैं लेज़र वेल्डिंग की। तो इसका यूज हम लोग थर्मल प्लास्टिक और मटेरियल के टुकड़े को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम एक लेज़र प्रोवाइड करते हैं जो हीट को पूरे डेप्थ और हाई जॉइंट रेट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा वेल्डिंग की स्पीड बढ़ जाती है। व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करिए, वेल्डिंग का सबसे तेज मेटर होता है। इसका यूज हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पे गाड़ी वगैरह इसके पार्ट बनते हैं। इससे हम दो पार्ट में बांटते हैं, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग और रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग।